दोस्तों ड्रीम इलेवन में टीम हर कोई बना लेता है, लेकिन जब बात आती है कैप्टन वाइस कैप्टन के सिलेक्शन करने की और सही तरीके से कैप्टन वाइस कैप्टन चुनने की, तो यहाँ पे कई सारे लोग हो जाते हैं कंफ्यूज और परेशान, क्योंकि ड्रीम इलेवन ही एक ऐसा फैंटसी ऐप है जिसमें दोस्तों आप लोग बेहतरीन और यूनिक तरीके से विनिंग कर सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग कमा सकते हो। तो अगर आप भी फैंटसी क्रिकेट से पैसे कमाना चाहते हो, फिर आप लोग भी ड्रीम इलेवन दोस्तों आपको अर्निंग करनी है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन सही तरीके से कैसे चुना जाता है, आप लोग क्या करते हो, सिलेक्शन परसेंटेज या पॉइंट्स देख के कैप्टन वाइस कैप्टन चुनते हो, या तो बड़ा नाम विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऐसे लोगों को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन चुनते हो। लेकिन दोस्तों अगर इन्हीं तरीकों से वाइस कैप्टन चुनने में रैंक बनाने लगती तो ड्रीम इलेवन में आज हर बंदा करोड़पति लखपति होता। लेकिन जाहिर सी बात है भाई, ड्रीम इलेवन जैसे बड़े फैंटसी ऐप में विनिंग करने के लिए आपको सही स्ट्रेटजी, यूनिक टीम और एक अच्छे गाइडलाइन की जरूरत है, जिसके माध्यम से आप लोग यूनिक वे में यहाँ पे दोस्तों परफॉर्मेंस दे पाएं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएं। तो कैसे सही तरीके से कैप्टन वाइस कैप्टन चुना जाता है, आइए इस पर नजर डालते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले और जरूरी बात क्या है, बात करें अगर हम लोग ड्रीम इलेवन में कैप्टन वाइस कैप्टन चुनने की, तो सबसे जरूरी चीज होती है पिच को समझना। अगर आज की पिच बैटिंग फेवर को सपोर्ट कर रही है, तो दोस्तों आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग एक अच्छा बैट्समैन का मतलब है जो परफॉर्मेंस कर पाए, वो कैसे पता चलेगा वो भी बताऊंगा, और एक अच्छा बॉलर, क्योंकि भाई बॉलर बैट्समैन का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो यहाँ पे विनिंग होगी। या तो ऑलराउंडर को प्रेफरेंस दे दो भाई, 50% ऑलराउंडर को दे दो, 50% में बैटमैन बॉलर दोनों को रख दो, और कहीं ना कहीं इन्हीं तरीकों से आप लोग विनिंग कर सकते हो। दूसरी चीज निकल के आती है, एक टीम में आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन ऑलराउंडर बैट्समैन बॉलर सबको तो बना नहीं सकते, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए दोस्तों मल्टीपल टीम बनाओ। मल्टीपल टीम का मतलब एक से अधिक टीम बनाओ, जिसमें आप ऑलराउंडर को ले लो, जिसमें आप बैट्समैन को ले लो, जिसमें आप बॉलर को ले लो, और कहीं ना कहीं इन्हीं पर्टिकुलर प्लेयर्स को लेके आप लोग ड्रीम इलेवन जैसे बड़े फैंटसी ऐप में अच्छी खासी विनिंग कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों बात रही, जब भी हम बात करते हैं ड्रीम इलेवन जैसे बड़े फैंटसी ऐप की, तो यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन चुनते समय अधिकतर लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन परसेंटेज देखते हैं। भाई सिलेक्शन परसेंटेज एक ऐसा भ्रम है जो आपको उलझा के वहीं पे रख देगा, आप लोग कभी उससे ओवरकम नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज में दोस्तों ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से आप हमेशा परेशान ही रहते हो। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, सिलेक्शन परसेंटेज में क्या होता है, सभी लोग उसी प्लेयर को कैप्टन और कैप्टन बनाते हैं, उसी पर्टिकुलर प्लेयर को लेकर यहाँ पे विनिंग कर लेते हैं। तो आप लोग भी अगर विनिंग करना चाहते हो, तो जिन स्ट्रेटजीज को मैंने बताया है अगर आप लोग इनको समझ के चलोगे, तो यहाँ पे आपकी यार अच्छी खासी विनिंग होगी और एक अच्छा प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर पाओगे। बाकी अगर ड्रीम इलेवन से आपको विनिंग करनी है, ड्रीम इलेवन में आप लोग ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं, तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करें, जहाँ पे हम ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जिसके माध्यम से आप लोग बेहतरीन और यूनिक विनिंग कर पाओगे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग ड्रीम इलेवन से जनरेट कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को यार पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, मिलते बदल नेक्स्ट वीडियो में।